रोना आता जब आप लोग पत्थर मारते हो, नाच के देख भाई, यहाँ दो ठुमके लगा के देख, तेरा पिछवाड़ा अगर गीला हो जाए तो कि आप सब मेरे साथ हैं, ऐसे कार्यक्रम हम करते रहेंगे आगे भी। जो जो मेरे साथ हाथ उठाइए और जो जो सपना मैं आपके चाहने वाले हैं, ठीक प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। मुझे ये डर लग रहा है कि ये आदमी बोलते बोलते बेहोश, इतना जोर लगा रहा है, पता नहीं कहाँ से लेके आ रहा है इतना जोर। मैडम जी, आपको देखते ही तो जोश और बढ़ गया हमारा, कितना बढ़ गया भाई। मैडम जी, को किसी ने भी रोटी ना खाई, अभी लो 10 बज गए, सारे भूख के ही देख लो कितने जोश में, रोटी खा लेते तो क्या हो जाता। मैंने तो सुबह तक खाई है, आपको अगले 4-5 दिन और ना खाओ, जोश ऐसा ही रहेगा मैडम आपकी। और लेकिन पता नहीं क्या लॉजिक है इस धरती पे, आदमियों को हमेशा तो अपने बच्चे और दूसरे की बहू हमेशा अच्छी लगती है। भैया पत्थर मत फेंको, विनती है क्योंकि मत करना अच्छा नहीं लगता। मैं भी आपकी बहन बेटी के बराबर ही हूँ। एक स्टेज पे नाचने से ये नहीं हो जाता कि मैं अलग हो गई, एक स्टेज पे नाचने से अलग नहीं हो जाती मैं। और अगर किसी की हिम्मत हो ना तो मेरी जगह नचा के दिखाओ, जो मानूंगी। आपकी बार मत मारना भाई, बिल्कुल मत मारना, क्योंकि ये पत्थर खाते खाते मैं इतनी बड़ी हो गई। रोना आता जब आप लोग पत्थर मारते हो, नाच के देख भाई, यहाँ दो ठुमके लगा के देख, तेरा पिछवाड़ा अगर गीला हो जाए तो। हाँ नहीं किया करते, इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है यार, एक आधे की वजह से सारा अनाउंसमेंट बिगड़ जाएगा, अच्छा थोड़ी लगेगा, क्या मिल जाएगा आप लोगों को यार, कोई तो बात नहीं होती है। भैया आप लोग क्यों हमारे क्षेत्र में पहली बार ऐसा हो रहा है और अपनी बदतमीजियों से क्यों इस प्रोग्राम का बिगाड़